क्या सदन को बार बार स्थगित करना ठीक है? क्या सदन के अंदर जो है लगातार अनुशासनहीनता का बढ़ना ठीक है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो सदन की कार्यवाही पक्ष और विपक्ष से चलती है, लेकिन जब सत्ता पक्ष बोलता है और विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाता है तो तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्यों विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कल आपको याद होगा कि जो है लोकसभा सदन का आखिरी दिन था, तब भी लगातार देखा जाए तो सदन स्थगित किया गया और नहीं चलने दिया गया। आखिर क्यों इस तरीके की खबरें बार बार सामने आ रही हैं? और अगर सदन स्थगित होता है तो मुद्दों पर कौन बात करेगा और मुद्दों को सुनेगा कौन? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही जो है लगातार नहीं चलने दी जा रही, और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो है सड़क से लेकर संसद तक मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर क्यों सदन को बार बार स्थगित कर दिया जाता है और आखिर क्यों सदन की कार्यवाही को ठप्प कर दिया जाता है। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। मांग ये है कि आज संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन है और पूरा सत्र धुल गया और भाजपा के सदस्यों ने ही संसद नहीं चलने दी, और जो विपक्ष ने मांगे की थी, कोई मांगे उन्होंने नहीं मानी। तो इसलिए लोकतंत्र बचाने के लिए राष्ट्र ध्वज लेके, तिरंगा लेके सड़कों पर सारा विपक्ष उतरा। आप तो देख रहे थे आज कौन खड़ा कर नारे लगा रहा था, भाजपा के लोग नारे लगा रहे थे, उन्होंने संसद नहीं चलने दी। तो सुना आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता जो है हमलावर हैं और अपनी बात को रख रहे हैं, मीडिया के सामने ये बात कह रहे हैं कि ये अनुशासनहीनता है, इस तरीके की जो है कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, आपको बता दें कि ओम बिरला पर भी सवाल खड़े किए गए, अविश्वास प्रस्ताव तक बात भी पहुंच गई। ये कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव भी पारित करेंगे, क्योंकि ये कब तक चलता रहेगा, जो है सदन का आखिरी दिन वो भी खत्म हो जाता है लेकिन कार्यवाही जो है खत्म नहीं होती है। लेकिन दर्शकों, जो आपने वीडियो सुना, इसको सुनने के बाद आपको कितनी सच्चाई नजर आती है कॉमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।